मैं भी तैयार हो गई राधा बनके और दिव्यांशु भी पी रहा है दूध, उसके बाद होगा तैयार। दीदी ना गाना लगा रही है, अभी डांस करेगा, ठीक है। ये गाय है हमारी, अब ये जा रहा है गाय के पास और ये फूल तोड़ रहा है। हेलो गाइस, मैं हूँ हेमा सामंत, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा सभी बड़ों को प्यार भरा प्रणाम। तो आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 6 बजे से, क्योंकि आज है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं दिव्यांश को कृष्ण बनाऊंगी, तो अभी वो सो रखा है तो मैं इसको तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि ये बनाने नहीं देगा। और हम लोग जन्माष्टमी तो बना नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे गांव में कोई ख़त्म हो रखा, तो हमें सूतक हुआ है तो मंदिर पर ले जा नहीं सकते, तो हम सीधे तैयार करके खाली ऐसे वीडियो बना बनू के फोटो खींच के ऐसे ही जन्माष्टमी बना रहे हैं। तो गाइस, मैंने दिव्यांश को नींद में ही तैयार कर दिया। मेरा कृष्ण उठ चुका है सो के, अधूरा बना भी कृष्ण, बस इधर से उधर घूम रहा है, इधर से उधर। दिव्यांश वाल दीदी चलो। ये हमारा दिव्यांश कृष्णा बनने से पहले दूध पी रहा, जल्दी पियो, ताकत आएगी फिर जन्माष्टमी बनाएंगे। मैं भी तैयार हो गई, रिया भी तैयार हो गई राधा बनके, और दिव्यांश अभी पी रहा है दूध, उसके बाद होगा तैयार। वाह, खुद ही पी रहा है, किसी की जरूरत नहीं है, आराम से पियो, गला लग गया, जल्दी पियो जल्दी पियो, और पियो और पियो और पियो आराम से। ये अपनी दीदी को दे रहा है, दीदी तू पी क्या कर गए, और जल्दी पियो, मेरा तो बल्ट है, आराम से आराम से। दीदी का बल्ट है ना, इसलिए नहीं पी रही है वो, जल्दी पियो जल्दी खत्म। गिरा दिया इसने, ये हमारा कृष्ण है और ये हमारी राधा। मेरे दिव्यांश के कपड़े, मुकुट, मुरली, माला, और मैं इसको अब पहनाती हूँ। तो गाइस, मैंने दिव्यांश को कर लिया तैयार, और ये मुकुट पहन नहीं रहा, बार बार निकाल दे रहा, बड़ी मुश्किल से अभी पहना रखा है। ये हमारा कृष्ण रेडी हो गया है। ये मेरा कृष्ण रोते रहता बस हो गया, हंसता भी नहीं है कभी, निकाल रहा है मुकुट। टीवी चलाओ तेरे लिए, टीवी चला बोल रहा है। दीदी ना गाना लगा रही है, अभी डांस करेगा, ठीक है, चलो डांस करो। चलो डांस करो, राधा कृष्ण डांस कर रहे हैं। ये हमारे राधा कृष्ण कर रहे हैं मस्ती, और ये बोल रहा गाना लगा, इतना शैतान है ना ये, लगा रही हूँ डांस कर। अब हमारा दिव्यांश खा रहा है दही मटके से निकाल के, ये मटका माखन चोर, तू भी खावल चोर, हमारा घर है बोलो ना। हाँ। ये कृष्ण खा रहे हैं, माखन चोर क्या मजे से खा रहा है दिव्यांश का।
इसमें चीनी भी डाली है क्या? ये वैसे ही खा रहा है? वैसे खा रहा है, बड़ा खट्टा हो रहा है मक्खन। तूने मेरा मक्खन खा लिया, यशोदा मैया को बताऊंगी। हमारे दिव्यांश ने सारा खत्म कर दिया। खाना तूने मेरा मक्खन खाया, यशोदा मैया को बताऊंगी। मत करो मत करो, करने दो। हमारा दिव्यांश सेम कृष्णा की तरह लग रहा है ना? गाइस, हमारा दिव्यांश अभी तक माखन खाने में ही है और हमारा बन चुका जन्माष्टमी, अभी भी खाने में है, खत्म नहीं हुआ इसका। कैसी खा रहा है? और रिया बनी है राधा, वो देखो इसकी स्माइल कृष्ण की। दोनों आंखें खा रहा है, दोनों आंखें, एक ही हाथ से खा रहा है। वो अब अपनी आमा की गोद में बैठ गया। अरे उसकी मुर्गी। माखन चोर भाग गया से, मेरा सारा माखन भाग गया, भाग गया से। हां मंदिर में बनाते छूटा हो गया, ऐसे ही सजा रहे। ये साथ कर रहा है मस्ती, मस्ती खोर डांस करो, डांस करो। और ये इसकी आमा। हमारा कृष्णा आ रहा है अब गाय के पास, गाय चराने आ रहा है अब, गाय चराने। ये गाय है हमारी, अब ये जा रहा है गाय के पास। चलो चलो चलो, ये गाय है, जय कर दे। गाय के खुशी में पा, गाय पा, गाय पा, गाय पा, ये इतनी अच्छी गाय है। भाग मत, ये तो भाग रही है, ये मेरे पास आ रही है, मेरे को अच्छा मान रही है, चले गई है। दिव्यांश ने निकाल लिया अपना मुकुट और नीचे भी गिरा दिया है। बहुत गर्मी हो रही है, इसको खुजली भी लग रही होगी। अब खुश हो गया ये, चलो अब अंदर को चलते हैं। इसको अच्छा नहीं लग रहा मुकुट, चुभ रहा है ना, और यहाँ बारिश भी हो रही है। चलो अब आ जाओ अंदर को, इसको घूमना ही, घूमने ही जाना है। चल चल बाबू, हमारा टाइगर भाग जाएगा। चलो अब हमारा दिव्यांश खोल दे रहा कपड़े, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। ये हमारा दिव्यांश ने उतार लिए सारे कपड़े, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है इसको। बाबू गया है, ये अपने चप्पलों को पकड़ के बोल रहा मेरे को घुमाने ले जा, घुमाने ले जाऊं तेरे को। ले तो अपने राजा की देख, मुंह मत आएंगे तेरे को, तो ना सुनीस पीला पीला टूटा, पीला पीला चप्पल, दर्द हो रही है इसको। आवल गाइस, हम लोग अब जा रहे हैं मौसी लोग के घर, क्योंकि मौसी बुला रही है मुझे फोटो खींच देगी करके, वो भी अपनी लड़की को कृष्णा या राधा बना रही होगी। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मौसी लोग के घर और पहुंचने वाले हैं। हमारा एक और कृष्ण हो गया तैयार, मौसी तैयार कर रही है, और ये दिव्यांश कपड़े नहीं पहन रहा है, और जिया ने तो पहन ही लिए बड़ी मुश्किल से, ये भी परेशान कर रही थी मौसी को। ये मेरा दिव्यांश बैठ गया कुर्सी पे, अपने आप ही बैठा, ये मौसी को देख रहा है। हमारा दिव्यांश फूल तोड़ रहा है, ओए दिबुली, मौसी लोग के फूल क्यों तोड़ रहा है बता, क्यों तोड़ रहा है? कृष्ण बड़ा ही प्यारा लग रहा है, ये ढूंढ रहा जिया को, जिया चली गई सोने। आजा जल्दी आ, जल्दी आ, मैं तो घर को जा रही हूँ दिबुली, मैं घर को जाऊँ। हम लोगों का फोटो शूट हो चुका है, और जिया का भी, वो भी अच्छे से खींचने नहीं दे रही थी, और ना ये भी खींचने देता है, क्योंकि गर्मी हो रही है, परेशान है बच्चे बेचारे, अब इसको नींद भी आ रही है। चलो अब घर को चलें, अब हम लोग जाते हैं घर को, ये बोला घर को चल।
ये देखो हमारा कृष्ण। अब हम लोग घर को जा रहे हैं। दिव्यांश बहुत ज्यादा खुश है और उदास भी है। मेरे साथ इसने अच्छी अच्छी एक भी फोटो नहीं खींची। ये देखो हमारा दिव्यांश खा रहा है खाना। मम्मा का हाथ तो नहीं खा रहा, अपने आप खा रहा है। तो गाइस हम लोग मौसी लोगों के घर से पहुंच गए और मैं अपना ब्लॉग अभी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।